आ गए तुम? टाइम देखा है तुमने कितने बजे आए हो? कहाँ लेट हो गए थे? कहाँ गए थे तुम? वहीं गए थे ना? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूं। खाना लगा दो, भूख लगी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वहां मत जाया करो। जब भी जाते हो बस बातें सुनकर आ जाते हो। वहां से आने के बाद तुम्हारा मुंह लटका ही रहता है। कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो। तुम्हारा वहां जाए बिना मन नहीं लगता है ना? आज तुम डिसाइड कर ही लो कि तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना है या मेरे साथ। तुम्हारा तो उनके बिना दिल लगता ही नहीं है। तुम खाना लगा रही हो या मैं खुद ले लूं? वहां से आने के बाद ऐसे बैठ जाती हूँ जैसे पता नहीं क्या लूट गया है तुम्हारा। मुझसे नहीं देखा जाता है तुम्हारा ये उदास चेहरा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बिल्कुल फिक्र नहीं है ना मेरी? आखिर कब तक चलेगा ये सब? भगवान के लिए जीने दो मुझे, हाथ जुड़वा लो मेरे। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के बीच में पिस गई हूं मैं। नहीं देखा जा रहा मुझसे ये सब। ना तुम मेरी सुनते हो ना तुम्हारे घर वाले। बोलो ना, आखिर कब तक चलेगा ये सब? तुम सुनो मेरी बात, आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ज्यादा जरूरी है या फिर मैं। मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी था, जो कि अब नहीं हूं। मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मेरे जज्बात वो मर गए हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दूं। मेरी फैमिली को लगता है कि मैं कभी ना कभी उनके पास वापस आ जाऊंगा। समाज ये कहता है कि लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन उसी लड़की से शादी करने के बाद जब लड़का अपना घर छोड़ता है ना, तो वो पराया नहीं होता, वो मुजरिम हो जाता है, गुनाहगार हो जाता है। लड़के को ऐसे दो राह पर लाके खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पे एक राह उसकी बीवी की तरफ और दूसरी राह उसकी फैमिली की तरफ होती है। मैं दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर किसी एक को चुनूंगा तो दूसरे की नज़र में गलत हो जाऊंगा। और तुम तो रोज अपने मम्मी पापा से बात करती हो, लेकिन मैं तो अपनी खुशी का इजहार तक नहीं कर पाता हूँ उनसे। खुशी तो छोड़ो, मैं तो बात ही नहीं कर पाता हूँ उनसे। शादी से पहले मुझे उनसे कुछ नहीं कहना पड़ता था, वो सब कुछ समझ जाते थे, लेकिन अब मेरी एक साधारण सी बात तक उन्हें समझ नहीं आती है। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मैं बात क्या करूं उनसे। उन्हें लगता है कि तुम गलत हो, तुम्हें लगता है कि वो गलत है। अरे लेकिन कोई मुझसे तो पूछे कि कौन गलत है। बेटा सिर्फ क्यों शादी तक ही बेटा रहता है, और बेटी जीवन के अंत तक। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद ही सब क्यों बदल जाता है? तुम कहती हो कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, तो क्या तुम उनके लिए अच्छी रहोगी? नहीं, बुरी बन जाओगी। बस इसी सिचुएशन में मैं आ जाऊं, हो सके तो सोचना इस बारे में।